फैल रहा है मार्केट में, ये आपके साथ कुछ कुछ घटना हो गया है, कोरोना वगैरह का आपके ऊपर आरोप बहुत सारा मतलब लग रहा है, रूमर फैल रहा है पब्लिक के बीच में, इसके बारे में क्या कहना है सर आपको? इसके बारे में लोग ऐसे ही लोग बोला करते हैं, लोग मेरे खिलाफ लोग रहते हैं, बहुत दिन से यहाँ हैं, आज से नहीं है, 25 साल से मेरे पीछे रहते हैं, और कुछ से कुछ बना के वो अपना पेपर में लिखाते हैं, लोग को भी कमेंट कराते हैं, और ऐसे मेरे साथ कोई केस नहीं है। ऐसे ही शाम में एक केस ऐसे हम रोजक खोलने जा रहे थे, तो शाम में एक केस को मोटर बोला कि जरा सर सीरियस रस उसको देख लीजिए, हम कभी रोजा खोलने के बाद हम देखेंगे नहीं, तो फिर बहुत ही तिरमत हम जब देखा, जब वहाँ पर गए देखने के लिए, तो पेशेंट बेचैन थी, छटपट कर रही थी, हमको ले जाओ उसको हॉस्पिटल चले लेकर के, इसलिए क्या रोजा के बाद हम देखेंगे नहीं अब इसको, हाँ उसको तो हॉस्पिटल वहाँ चली गई। उसके 20 मिनट के बाद जो वहाँ से लोग करते कमेंट करने लगे कि डॉक्टर साहब के इलाज किए, जबकि मैंने कुछ देखा नहीं, हम तो पेशेंट का आदमी आया, बोला डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए हम बाका नहीं जाएंगे कहीं, आप रेफर भालपुर कर दीजिए, तो भालपुर लाइफ लाइन हॉस्पिटल में उसको रेफर अपने चिट्ठे बना के कर दिया। अच्छा, तो मतलब आप इधर टच नहीं किए? नहीं नहीं, देखा भी नहीं कोई कैसे, मतलब कोई आपका जो स्टाफ है वो टच वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कोई टच नहीं किया, टच करेगा भरवाली ने कहा कि बच्चा करो नगर ले जाओ, मुझसे नहीं होगा इतना। अगर नाम है, अच्छा आप डॉक्टर साहब के यहाँ क्या है? कंपाउंडर है, हेड कंपाउंडर है मतलब। जी जी, वो जो पेशेंट मतलब आया हुआ था जिसके ऊपर अफवाह फैला हुआ है कि वो कोरोना पेशेंट था जी, उसके बारे में क्या कहना है आपको? उसके विषय में हम लोग को यहाँ सर आया, लेकिन हम लोग देखे उस पेशेंट को नहीं, देखे नहीं, टच नहीं किए, नहीं टच भी नहीं किए। अच्छा, मार्केट में जो रूमर फैला हुआ है वो सारा गलत है? गलत है, बेबुनियाद है, झूठों का लोग की कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है।